उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर यात्रा के विस्तृत संचालन हेतु विदेश मंत्री एस जयशंकर से भेंट करी, जहां उन्होंने एस जयशंकर से अनुरोध किया कि प्रतिवर्ष लाखों लोग इस पवित्र यात्रा को अनेक मार्गों से करते हैं, किंतु उत्तराखंड के मार्ग से सीमित संख्या में लगभग 1100 श्रद्धालु ही इस यात्रा की अनुमति प्राप्त कर पाते हैं। वहीं अगर इस मार्ग से निर्बाध यात्रा प्रारंभ होती है तो ये उत्तराखंड के पर्यटन और आर्थिकी की लाइफलाइन बन सकती है। उन्होंने कहा कि पंतनगर और पिथौरागढ़ हवाई अड्डों का विस्तार करके और पंतनगर से लीपूलेक तक ऑल वेदर रोड का निर्माण करके विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए एक सहज और सुगम कैलाश मानसरोवर यात्रा का विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हैं कि दोनों हवाई अड्डों के विस्तार, ऑल वेदर रोड के निर्माण और मानसरोवर यात्रा को प्रारंभ करने हेतु अथक प्रयास करेंगे, ताकि विश्व भर के पर्यटक सहज रूप से विश्व प्रसिद्ध पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। मैंने उनसे अनुरोध किया कि प्रतिवर्ष लाखों लोग इस पवित्र यात्रा को अनेक मार्गों से करते हैं। अगर पिथौरागढ़ लिपुलेख मार्ग से भी यह यात्रा प्रारंभ हो सके तो उत्तराखंड के पर्यटन और आर्थिकी की लाइफलाइन बन सकती है। मेरा प्रयास है कि पंतनगर और पिथौरागढ़ हवाई अड्डों का विस्तार करके और पंतनगर से लिपुलेख तक ऑल वेदर रोड का निर्माण करके हम विश्वभर के श्रद्धालुओं के लिए एक सहज और सुगम मानसरोवर यात्रा का विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं। मैंने तय किया है कि इसके लिए मैं शीघ्र केंद्रीय उड्डयन मंत्री श्री हरदीप पुरी जी और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से भेंट करूंगा। इस संबंध में कुछ होमवर्क पहले भी कर चुका हूं। मेरी कोशिश है कि जल्द ही तीनों मंत्रालयों के समन्वय से हम उत्तराखंड की तरफ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रारंभ कर सकेंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि दोनों हवाई अड्डों के विस्तार, ऑल वेदर रोड के निर्माण और मानसरोवर यात्रा का प्रारंभ करने हेतु अथक प्रयास करूंगा और आप सबके सहयोग से हम इस बड़े उद्देश्य के लिए भी सफल हो पाएंगे।